अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जोगी किचन में खुश आमदेद। मैं शगुफ्ता खान आज आपके लिए बना रही हूँ फ्राइड राइस और मंचूरियन। आज हम दो रेसिपीज़ बनाएंगे और मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको फ़ौरन मिल सकें। इसके लिए चिकन लिए हाफ के जी, कॉर्नफ्लोर लिए हाफ कप, मैदा लिए हाफ कप, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, एग वाइट 2 लिए मैंने, अंडे की 2 सफेदियाँ, केचप लिए 1 कप, सोया सॉस 1 टेबलस्पून, ऑयस्टर सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, चीनी लिए 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, शिमला मिर्च और प्याज और हरी प्याज हमने लिए। चिकन ले रही हूँ, चिकन को मैरिनेट करेंगे हम। छोटी छोटी हमने देखे इनको बिल्कुल काट लिया है। सोया सॉस डाल दी है मैंने इसमें, वाइट पेपर डाल रही हूँ, सिरका डाला है, नमक, इसको अच्छी तरह से हम मैरिनेट कर देंगे। देखिए कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, मैदा डाल दिया है, तो अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। एग वाइट डाल रही हूँ, 2 अंडों की सफेदियाँ हमने ले ली हैं, उसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करके मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा आप रख दें इसको, अगर जितना आपके पास टाइम है। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, चिकन को बहुत अच्छी तरह हमने गोल्डन फ्राई करना है इसको, और बहुत अच्छी तरह से हम करेंगे इसको हल्की आँच में, लो फ्लेम रखना है हमें, बहुत ज़्यादा तेज़ आँच में नहीं करना है, हल्की आंच में बिल्कुल गोल्डन फ्राई होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है इसका, ये हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है चिकन, ये देखें कितना अच्छा कलर है। अब मैं ऑयल ले रही हूँ मंचूरियन के लिए, मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ले लिए इसमें, और गार्लिक जो हमने डाला था, लहसुन बारीक बारीक काट के रखा हुआ था, उसको हम अच्छे से भून लेंगे, इसको खूब अच्छे फ्राई करेंगे। और इसमें हम प्याज डाल रही हूँ अब मैं, जो मैंने स्क्वायर में काटी हुई है, शिमला मिर्च इसमें शामिल कर देंगे हम, और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा बस हल्का सा इसे भूनना है हमें यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और इसमें हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे, सोया सॉस डाल रही हूँ मैं इसमें, चिली सॉस डाल रही हूँ मैं, को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सिरका डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। चिकन पाउडर डाल दिया है मैंने, ये देखिए मैंने इसमें चीनी भी शामिल कर दी है, और अब ऑयस्टर सॉस मिला रही हूँ, इसका मजा जो है इससे बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी बनता है ये। ये देखिए मैंने यहाँ केचप भी इसमें शामिल कर दी है, देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसमें। ये मैंने थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको एक उबाल देंगे, थोड़ा सा कुक हो जाएगा, फिर इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। देखें चिकन हमने इसमें शामिल कर दी है, और ये बहुत अच्छा सा हमारा मंचूरियन बन रहा है, यकीनन आपको पसंद आएगा। इसको गार्निशिंग के लिए हम इसमें हरी प्याज डालेंगे, और इसमें सीसमी सीड थोड़े से डाल देंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। चावल ले रही हूँ हाफ के जी, चिकन लिए हाफ के जी, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, चॉप गार्लिक लिए 1 टेबलस्पून, 2 अंडे लिए मैंने, कैबेज, शिमला मिर्च और गाजर ये बारीक बारीक काट लिए, हरी प्याज ले ली है हमने उसका जो हरा पार्ट होता है, और सोया सॉस ले रही हूँ 1 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, वाइट पेपर 1 टेबलस्पून, सिरका 1 टेबलस्पून,
अब इसमें ऑयल ले रही हूँ मैं, ऑयल मैंने ले लिया है थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून के करीब। और उसमें हम अंडे फ्राई कर रहे हैं, मैंने अंडों में हल्का सा फूड कलर डाल के इनको फेंट लिया था ताकि बहुत अच्छे से कलरफुल सा हमारा अच्छा लगे फ्राइड राइस में। देखे कुक हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी। अब मैं ऑयल ले रही हूँ इसमें, देखें 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। चॉप्ड गार्लिक इसमें डाल रहे हैं हम, अपने फ्राइड राइस की तैयारी कर रहे हैं हम। इसको अच्छे से हम सॉटे कर लेंगे और देखें इसमें चिकन डालेंगे। चिकन को हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखें जब ये कुक हो जाएगी तो बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे, और ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। देखें बिल्कुल कलर चेंज हो गया इसका। यहाँ पे हम सब्जियाँ शामिल कर देंगे इसमें। गाजर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, थोड़ा सा हम गाजर को डाल के इसको कुक करेंगे, भूनेंगे, ताकि गाजर जो है थोड़ा टाइम लेती है। इसके बाद हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे इसमें। देखें अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ, अब सोया सॉस डाल रही हूँ इसके अंदर। तमाम स्पाइसेस डाल देंगे हम, चिकन पाउडर है, वाइट पेपर, सारी चीज़ें डाल के इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें भून लेंगे खूब अच्छी तरह से। अब ये देखें मैं इसमें कैबेज शामिल कर रही हूँ। सब्जियाँ हमारी कुक हो चुकी हैं, अब मैं राइस डाल दूंगी इसमें। देखें मैं चावल शामिल कर दिए हैं, और चावल जो हैं वो तकरीबन कुक हुए हुए होते हैं, बॉइल्ड होते हैं पूरे, तो इसमें बस मिलाना होता है सारी चीज़ों को अच्छे से। देखें हरी प्याज अब मैं यहाँ पर डाल दूंगी इसमें, और जो हमने एग फ्राई करके रखा है वो भी इसमें शामिल करेंगे हम। देखें हमारे राइस बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये देखें यहाँ पे हमने एग शामिल कर दिया है इसमें, और इसको 1-2 मिनट के लिए हम रखेंगे बस। ये बिल्कुल कुक हो चुके हैं, अब मैं डिश आउट करूँगी। देखें डिश में निकाल रही हूँ मैं, कितना ज़बरदस्त से इसके बाउल से मैंने इसको सेट किया है। ये हमारे राइस हो गए तैयार बिल्कुल, और मंचूरियन भी हमारी तैयार है बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी, और इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं बिल्कुल चाइनीज़ जैसे आती हैं आप किसी रेस्टोरेंट में हो, बिल्कुल ऐसी आ रही हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस पे देखें हम गार्निश कर देंगे हरी प्याज से और सिसमी सीड से, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा लगता है। इस पे अंडे डाल दिए मैंने, और बहुत खूबसूरत सा प्लेटर हमारा तैयार हो गया है। यकीनन आपको भी अच्छा लग रहा होगा, और जितना ये अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक देते रहा करें, बताएं मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ये आपको बटन नज़र आ रहा है, इसको प्रेस करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और 2 वीडियो आपको नज़र आ रही हैं, इनमें से जो भी आप अपनी मर्ज़ी की देख सकते हैं।